माय नेम सांसद जी, आप लोग देख रहे हैं हैप्पी डीआरएस ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में आपका तहे दिल से पहले स्वागत है। तो आज हम लोग आज के अपना इलेक्ट्रिक पावर हाउस का ब्लॉग लेके, काफ़ी दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि यार बाइक कुछ कानपुर का जो पंखी में जो इलेक्ट्रिक पावर हाउस बना उसको थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो अभी ये चल रही है वीडियो, अभी मैं स्कूटी पे आप लोगों को दिख रहा होगा। और मोटो ब्लॉग का पूरा स्टाइल मैंने कर लिया है, तो ये काफ़ी मैंने काफ़ी अच्छा काम किया, इससे काफ़ी मुझे बेनिफिट भी है कि अब मैं दोनों हाथ से स्कूटी चला रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो, और कैमरा अपना लगा हुआ है, सामने आपको दिख रहा होगा, एक टंकी सी दिख रही होगी, एक जो टंकी है सॉरी एक जो चिमनी सी दिख रही होगी वो भी आपको काफ़ी अच्छी दिख रही होगी। यहाँ से पूरा लुक यहाँ से आ रहा है, और इसकी आके अभी हम लोग साइड लुकिंग करेंगे। उसके पहले कैमरे पर साफ एकदम दिख रहा है और हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यार सामने लगा हुआ है जाम हमको दिख रहा है, हम ले लेंगे हिमस से उल्टी रोड से। अब उल्टी रोड से लेना भी एक मतलब गलत काम है, लेकिन लेना पड़ेगा। पंखी पावर हाउस पहुँच रहे हो, देखते हैं कि भाई कितना अपडेट मिला है पंखी पावर हाउस में। तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा उल्टी साइड। यहाँ से पूरा यहाँ से दिखता है कि भाई पंखी कैसा है कैसा नहीं है, और पूरा यहाँ से ना लुक लेता है कि जो पंखी पावर हाउस है वो कितना बन चुका है। जैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जो बनने के ऊपर अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे काफ़ी कलरफुल हो चुका है, यहाँ पे जो कलर कर दिए गए हैं थोड़े चिमनी पूरा का बुकर आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सामने हैं, तो इसको पहले यहाँ से क्रॉस करते हूँ। यहाँ पे लगता है बहुत सारा जाम, तो जाम को क्रॉस करते करते पहुँचेंगे हम लोग पंखी पावर हाउस में। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, पहुँच रहे हैं, हेलमेट लगा लेते हैं क्योंकि पड़ता है यहाँ पे धूल ज़्यादा सी थोड़ा सा दिखती है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि सामने भी एक हाईवे का यहाँ पे चयन किया जा रहा है। हाईवे पे यहाँ पे पूरा कार हो रहा है, तभी यहाँ पे रोड ख़राब कर देगी। हाईवे यहाँ से ये आया है, एक ही ऊपर से निकलने वाला है पंखी हाईवे से आप लोग जानेंगे। और यहाँ से ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। ये थोड़ा सा पता मेरे हेलमेट से मेरी दिक्कत ही क्यों करते हैं, ये भी मेरे सर में थोड़ा सा पूछने लगा। बताओ कैसे काम चलेगा यार, हेलमेट भी लगाना ज़रूरी है, हेलमेट कारण तो ब्लॉग भी करना ज़रूरी है। अच्छा होता है जब फोन का प्रेशर आता है तो आगे का हिस्सा थोड़ा झुक जाता है, और इसलिए कि कारण ऊपर का जो हिस्सा है वो भी झुक जाता है, तो जिससे काफ़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पे हेलमेट का जो शीशा है वो काफ़ी ढीला हो चुका है, तो बार बार नीचे आ रहा है। और हेलमेट का शीशा लगा लेंगे तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। कई सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है, मतलब एक ब्लॉगर भी बनना, या फिर आप कहें जो ब्लॉग सक्सेस जो नहीं कहते हैं ब्लॉगर जो सक्सेस है उनके सही है, जो सक्सेस नहीं है ना उनके लिए भी कठिन है, जो सक्सेस है उनके लिए भी कठिन है। ये कोई आसान काम नहीं होता है करना जो हम कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो सक्सेस हो चाहे ना हो, दोनों के लिए ही उतना ही कठिन होता है जितना कि एक हर इंसान के काम के लिए होता है। लोग कहते हैं ना ब्लॉग कर लो भाई बहुत आसान रहता है, ऐसा नहीं, बहुत कठिन होता है। तो आ चुके हैं, बस यहाँ से रास्ता दी गई होगी, यहाँ से ही रास्ता दी जाती है। आए बस पिछली बार अंदर हम गए थे कि शायद बंद कर दी गई हो, अब वो बात अलग है, यहाँ से रास्ता दी गई थी, आगे साइड दी गई थी। जी हाँ आगे साइड, अभी भाई कार वाला भाई क्या चला वाला भाई एकदम भाई यहाँ ले आया क्या भाई, याद करके ही देखिए। पीछे देखा और पीछे देखते मैंने इंडिकेटर देखते हुए ये सड़क यहाँ से बंद कर दिया गया है, जितने यहाँ पे है उन्हें यहाँ से हम लोग इंट्री करते हैं अंदर के लिए। कोई बात नहीं, आपको हम साइड से दिखाएंगे और कितना तगड़ा दिखाएंगे ना, मतलब आप कहोगे वीडियो वाकई में यू आर जस्ट नंबर वन ब्लॉगर, वो सक्सेस नहीं, वो बात अलग है, लेकिन आप कहोगे जस्ट नंबर वन ब्लॉगर सक्सेसफुल ब्लॉगर। ये देखिए यहाँ पे ऐसा आपको मिलेंगे सामने, ये भी बात अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना सर, मैं इसीलिए मैंने ऐसे बोली। ये देखो भाई तब ऐसे यहाँ से हमने बना कर रखा, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि देखिए ऊपर का जो हिस्सा है मतलब ऐसे बना दिया जैसे कि यहाँ पे लोग खड़े होंगे देखने के लिए, और भाई तगड़ा लुक दे दिया है इसका, फुल तगड़ा देख लो भाई एकदम सामने तो तगड़ा है एकदम। तो भाई यहाँ से देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, भाई यहाँ से एंट्री है एग्जिट है, मतलब यहाँ से अंदर वही जा सकता है जो कि अंदर के पास हो इसके पास हो। और भाई ये देखो तगड़ा भाई सीन है, गहरा सीन है भाई, ये देखो पूरा फुल मूड में एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे पावर पॉइंट बनाया जा रहा है, जिसमें किसी मतलब मेट्रो में तब भी ढिलाई थी लेकिन यहाँ पे थोड़ी रोड खराब, यहाँ पर डंपर रोड खराब हो ही जाती है, डंपर चलेंगे तो भाई रोड खराब अपने आप होगी। हम जानबूझ के यहाँ से लेके आए हैं ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ पर रोड चल रही है सिंगल रोड है, ये रोड बंद है और वो सिंगल रोड रहेगी, वहाँ पर पब्लिक ज़्यादा आएगी, यहाँ से हम भले ही थोड़ी धुलाई की बात अलग है लेकिन थोड़ा सहन किया जाएगा। भाई नज़ारा देखिए क्या नज़ारा है, ये होता है भाई मज़ा आता है। आप तो वीडियो में देख रहे हो, मैं हकीकत में देख रहा हूँ ना,
कितना तगड़ा लग रहा है कि वो सिर्फ मैं जानता हूँ, और कितना अच्छा लग रहा है वो भी सिर्फ मैं ही जानता हूँ। भाई यार ये भी सही है यार, दुनिया ऐसी भी दुनिया होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी होती है यार। कितना अच्छा लग रहा है भाई हमको देखने में, इतना अच्छा लग रहा है भाई। अगर आप आएँ तो पंक्ति का जो पावर हाउस है यार, प्लीज़ यार एक बार आकर देखो, ऐसे लगते हैं कि हम लोग बड़े पावर पॉइंट पे आ गए। नहीं वाकई बड़ा ही पावर पॉइंट है वो, बात अलग है। देखो भाई गर्दन उछकानी पड़ती पूरी, तब आपको हम पूरा दिखा पा रहे हैं। नोटिस करो एक बजे कस के नोटिस करो, उसको तुम वायरल कर दो वीडियो को, एकदम मुझे उड़ा दो, समझो इतना लाइक करो इतना शेयर करो। भाई यार इतना कर्रा पावर पॉइंट, तगड़ा कैड़ा जो मतलब कह दो यार, करता ही जहर फूल गलत जो आपके मुँह निकले वो आप कह दो, लेकिन बस कह दो और शेयर कर दो उसको। इतना गंदे तरीके से शेयर करो ना कि मतलब सीमा ना हो शेयर करने की, उसको इतना गंदे तरीके से शेयर करो। आंटी तो मतलब पूरा मुस्कुरा रही है ना, उन्होंने क्या कहें, मतलब कुछ कह नहीं सकते, मतलब इतना गंदा तरीके से मुस्कुराया हमको देख के, मतलब क्या बताएं वो, हम उनको सब नहीं निकले। अगर आपने पॉज करके देखेगा वीडियो को तो बहुत तगड़ा मुस्कुराया आंटी ने हमको देखे, उनको लग रहा है चूतिया क्या कर रहा है ये, चूतिया समझते हैं जान दो आंटी का, मतलब पूरा वीडियो खराब कर देंगे यार। सामने जो एक और टंकी ऐसी बनाई गई है जिससे कि हम लोग काम करते हैं ऊपर ऊपर खड़े होइए और रक्षा कीजिए एकदम, जैसे नहीं आर्मी में ऊपर टंकी भी लोग खड़े होते हैं वैसे ही सीन होने वाला है यहाँ पर, देखो कि यहाँ से भी घुसना काफ़ी कठिन होगा। हाँ अब यहाँ से खत्म है पावर पॉइंट, यहाँ पकड़ से गली गई है, इसको भी आज हम आपको दिखाएंगे कि भैया कहाँ तक गई हो और कैसी गई है, मतलब यार पीछे के रास्ता है पावर पॉइंट ये देखो, यहाँ पर सिर्फ रास्ता लेकिन थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि खाली है, कोई अब है नहीं। स्कॉर्पियो भाई सब चले आते हैं लेकिन मतलब ऐसे चले आ रहे हैं जैसे भी क्या ही है, हमको ऐसे घूमते लोग यार हमको बड़ा ख़राब लगता है यार। भाई कानपुर गए तो क्या हुआ यार, तो इतना गंदे तरीके से घूमोगे यार। भाई देखो इतना हम यहाँ से किलोमीटर भी नाप रहे हैं तो देखते हैं कितने किलोमीटर की रेंज में है चौड़ाई इसका, लंबाई दो ही किलोमीटर नापते हैं बेटा। यहाँ से रोड है ख़राब और यहाँ से रोड भी ख़राब है और यहाँ से बंद खुली है, इधर भी चलते हैं आ जाए, मतलब यहाँ एंट्री दी गई पावर पॉइंट की है।